पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर दी गई है। हालांकि इससे पूर्व कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण को स्वयं ही हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ महिलाओं ने बुलडोजर के आगे खड़े होकर विरोध जताया और उनकी प्रशासन के साथ नोकझोंक हुई। महिला व्यवसायियों को पुलिस के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया और मौके पर राजस्व प्रशासन, प्रशासन और पालिका प्रशासन और एनएच विभाग की ओर से अतिक्रमण हटवाने को लेकर पूरी तैयारी की गई थी। पौड़ी से मुकेश पश्चति की रिपोर्ट। बालत है हमारी बोरी, आज हमको इससे बढ़िया तो बादल फट जाता और हम सब कट्ठे मर जाते। हम तो आज सड़क में आ गए हैं, कहाँ से कौन करेगा हमारा रोटी कपड़ा, चिपड़ रहे थे। मकान मालिक हमको कल से निकाल देगा कमरे से बाहर, कहाँ जाएंगे हम, कौन करेगा हमारी भरपाई, दुकान हमारा रोजगार से हम बेरोजगार हो गए, कहाँ जाना है। की तरफ से जो डायरेक्शन हमें मिले हैं और 5 तारीख को हमारे काउंटर अथॉरिटी है उसकी की डेट है, तो उससे पहले हम लोगों ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे और रेगुलरली मॉनिटर करे, नोटिसेस देने के बाद में अभी अराउंड 34 शॉप्स जो हमारी एनएच पे हैं उन्हें उनके डिमोलिशन या उनको हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया कि एनएच और एसएच स्टेट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड और नगरपालिका की जितनी भी सड़कें हैं उन पर से अतिक्रमण हटाया जाना है और अगले 24 तारीख को इसकी सुनवाई तब तक एफिडेविट दायर होगा। इसलिए माननीय तत्काल नोटिस बोर्ड में प्रेषित किए गए थे, उन्हीं नोटिसों के क्रम में आज की कार्रवाई जिला प्रशासन और एनएच द्वारा की जा रही है। इसमें चूंकि नगर पालिका के किराएदार थे, भविष्य में इन लोगों से अनुरोध किया गया है